हेलो दोस्तों, 28 मार्च 2020 इंडिया लॉकडाउन का चौथा दिन शनिवार, तो मार्केट बंद है। तो अब इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि 24 मार्च 2020 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया लॉकडाउन की घोषणा की। 24 मार्च 2020 को मार्केट क्लोज हुआ था 26674.03 पे, जो कि सोमवार के क्लोजिंग से 2.67% अधिक था। लोग तो ये सोचे होंगे कि लॉकडाउन के पहले दिन इतना बड़ा निर्णय, 21 दिन तक पूरा देश बंद रहेगा, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल चीजें खुली रह सकती हैं, तो बहुत इकोनॉमिक लॉस तो हो सकता है। तो ऐसा सोच के लोग जरूर ये सोचे होंगे कि पहला दिन तो मार्केट बुरी तरह से गिरेगा और बहुत ज्यादा निगेटिव में बंद होगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 25 मार्च 2020 को मार्केट क्लोज हुआ 28,535.78। मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो ये पिछले क्लोजिंग का 6.98% अधिक था। ये बड़े आश्चर्य की बात है। बट हुआ क्या? तो अगर हुआ क्या इस बारे में देखें तो मेन चीज जो हुआ वो ये है कि तो सबसे पहली खबर थी, वो थी यूएस की खबर, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस बिल के एग्रीमेंट को ओके कहा। तो ये $2 ट्रिलियन मायने रखता है। अच्छा, दूसरा एक खबर था वो रिलायंस के ऊपर था। अब आपको तो मालूम ही होगा कि रिलायंस का सेंसेक्स पे काफी वेटेज है। तो ये खबर आ रही थी कि फेसबुक रिलायंस के साथ बातचीत कर रहा है, जो कि जियो में करोड़ों की हिस्सेदारी लेने का। तो ये दूसरा हो गया। फिर भारत के वित्त मंत्री ने भी एक इंडिकेशन दिया था कि कोई ना कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा हो सकती है। तो मेरे अनुसार तो यही तीन जो मेन कारण थे जिसके कारण रिलायंस बढ़ा, फिर पूरा मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा और मार्केट 6.98% बढ़ के 28,535.78 पे बंद हुआ। तो ये तो हो गया पहला दिन। फिर लॉकडाउन का दूसरा दिन, 26 मार्च 2020 दिन गुरुवार, इस दिन मार्केट क्लोज हुआ 29,946.77 पे। अब पहले दिन तो हो गया, पहले दिन सब कुछ फैक्टर हो जाना चाहिए, बट अगले दिन देख रहे हैं कि मार्केट जो है फिर से 4.94% बढ़ गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ? तो दूसरे दिन का तो सिंपल सा हम यही कह सकते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा। वित्त मंत्री ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। वही एक मेन फैक्टर कह सकते हैं जो कि मार्केट के सेंटिमेंट को बढ़ाया और मार्केट इस तरह से क्लोज हुआ। तो मार्केट ने इसको भी फैक्टर कर दिया। अब यूएस का स्टिमुलस पैकेज, उसके बाद में फिर इंडिया का भी स्टिमुलस पैकेज, फिर G20 का भी, तो एक प्रकार से अब मार्केट ने यहाँ तक तो फैक्टर कर लिया और 29,946.77 पे क्लोज हुआ। अब लॉकडाउन का तीसरा दिन, फ्राइडे, वीक का आखिरी दिन जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है, 27 मार्च 2020 को मार्केट क्लोज हुआ 29,815.59 पे, जो कि पिछले क्लोजिंग का -0.44% रहा। अब अगर इस तीसरे दिन, लॉकडाउन के तीसरे दिन को अगर देखें, तो अगर आप ओपन को देखोगे तो ओपन हुआ 30,747.81, हाई गया था 31,126.03, उसके बाद में फिर गिर के 29,815.59 पे क्लोज हुआ। तो अब इसका एक मेन कारण यही रहा, इस समय बाहर के कोई फैक्टर नहीं था, इस समय फैक्टर था आरबीआई आके सबसे पहले रेपो रेट कम किया, ओके, उसके बाद में फिर ये भी बताया कि जो ईएमआई पे कर रहे हैं उनको 3 महीने का राहत मिल जाएगा, वो भी अच्छा रहा। लेकिन उसके साथ में एक चीज और रहा, वो रहा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी। तो जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी को जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई हम जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वैसा जीडीपी ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, ऐसा जैसे ही आया उसके बाद में फिर मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये मार्केट को तो ऐसे मालूम होना ही चाहिए था कि इस स्थिति में ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई के इसी अनाउंसमेंट के बाद से ही मार्केट ने रिएक्ट करके फिर मार्केट निगेटिव में जाना शुरू हो गया और उसके बाद में करते करते 29,815.59 पे बंद हुआ।
तो ये तो हो गया दोस्तों इस वीक का परफॉर्मेंस, और इस वीक में ये कह सकता हूँ कि मार्केट ने सब कुछ को फैक्टर कर लिया है। तो 29,815.59 उसमें हाई लो और क्लोज को देखा जाए तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि करीब 30,500 का एक लेवल है। 30,500 के लेवल के आसपास अभी सेंसेक्स ने चलना चाहिए। लेकिन अभी अब क्या है, जो शनिवार और रविवार ये दो दिन, जिसमें शनिवार को एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, जो मजदूर दिल्ली से पलायन करके यूपी जा रहे हैं या दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो यूपी सरकार ने ये बोला है कि करीब 1,000 से अधिक बसेस चलेंगी और लोगों को दिल्ली से यूपी लेके आएंगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो लॉकडाउन का मेन पर्पस था कि लोग जहां है वहीं रहे, वो ना हो के अब लोग धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं, लोग अभी अलग अलग गाँव में जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि लोग जब गांव में जाएंगे तो उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये गांव में फैला, और हमें मालूम है गांव में फैसिलिटी किस तरह से होती है, ये गांव में नहीं फैलना चाहिए। और जो लोग मार्केट को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वो अभी मार्केट से ज़्यादा वॉच कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन में क्या क्या स्थितियाँ आ रही हैं, क्या कितने सारे कन्फर्म केसेस आ रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, इंडिया में किस तरह से बढ़ रहा है, ये सभी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। और ये डिसीजन जो कि आया है, इसे डेफिनेटली एक तो डर सब में बैठ गया होगा, वो है संक्रमण के फैलने का डर, और दूसरा जो है उनको सबको ये लग रहा होगा कि अगर इसको बचाना भी है तो लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी होगी, उनको मेडिकल उनका ट्रीटमेंट कराना होगा, इससे भी जो है सरकार के बजट पे जो है इसका बुरा असर पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलग अकाउंट, एक अलग फंड की बात की है, पीएम केयर्स के नाम पे उन्होंने कहा है कि लोगों को बोला है कि उसमें जो है वो फंड जमा करें, कई लोग काफ़ी आगे आके जो है उसमें पैसा जमा कर रहे हैं ताकि सरकार को इस संक्रमण से लड़ने के लिए जो है आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन ये तो एक साइड में ये चलते रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि ये जो जिस तरह से ये जो डिसीजन लिया गया है कि लोग जो है अपने अपने गाँव में जाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो पहुंचेंगे तो उनका ट्रीटमेंट उसी तरह से होना चाहिए जैसे कि 14 दिन का क्वारंटाइन हो रहा है, तो वो उनको जो है सीधे उनके घर में ना जाके बल्कि उनको स्कूल में, चाहे तो स्कूल में ठहराएं, चाहे वो रेस्ट हाउस में ठहराएं, चाहे कोई होटल है तो वहां ठहराएं, या फिर कैंप लगा के उनको ठहराएं, लेकिन उनको डायरेक्ट जो है घर में ना जाने दें। ये सिर्फ 14 दो तीन हफ्ते की बात है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो यहाँ पे गांव में जो लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है और इस संक्रमण को फैलने से बचाने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट इस बात को फैक्टर करेगा और मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को निगेटिव ओपन होगा। तो दोस्तों ये तो था छोटा सा एनालिसिस इस वीक में सेंसेक्स के परफॉर्मेंस का। आई होप कि ये संक्रमण जल्दी से ठीक हो और मार्केट अपने ट्रैक पे आए। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।